एक नए अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से इंसानों में गुर्दे की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और गुर्दे खराब भी हो सकते हैं। बहुत पहले से ही वायु प्रदूषण को हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, अस्थमा और कॉप्स से जोड़ा जाता रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसंधानकर्ताओं के इस नए अध्ययन के बाद अब इन बीमारियों की सूची में गुर्दा यानी किडनी का रोग भी शामिल हो गया है। शोधकर्ताओं ने किडनी की बीमारियों में वायु प्रदूषण के प्रभाव का पता लगाने के लिए करीब 8.5 साल तक ये अध्ययन किया। साल 2004 में शुरू किए गए इस अध्ययन में करीब 25 लाख लोगों को शामिल किया गया था। अनुसंधानकर्ताओं ने किडनी रोग से संबंधित एक कार्यक्रम में अमेरिका के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और नासा द्वारा जुटाए गए वायु गुणवत्ता के स्तरों की तुलना की। उन्होंने बताया कि उनके अध्ययन में पाया गया है कि किडनी की बीमारी के 44,793 नए मामले और किडनी फेल होने के 2,438 मामलों में वायु प्रदूषण के स्तर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो EPA के 12 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सीमा से बेहद अधिक है। ये मानव के लिए सुरक्षित माने जाने वाले वायु प्रदूषण का उच्चतम स्तर है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर जायद अल अली ने बताया कि मनुष्य में वायु प्रदूषण और किडनी रोग के बीच संबंधों पर आंकड़े बेहद कम हैं। हमने आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें वायु प्रदूषण और किडनी की बीमारियों के बीच स्पष्ट संबंध पाया गया है। वायु प्रदूषण के कारण किडनी को नुकसान होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण हृदय और फेफड़ों जैसे अन्य अंगों को भी नुकसान पहुँचाता है। NTI पॉकेट TV के लिए संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।